हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरी थिंग यू लाइक। आज हम बनाने जा रहे हैं 6 तरह के मिल्क शेक, जिसमें हम सबसे पहले बनाएंगे चीकू का शेक। उसके लिए मैं एक कटोरी चीकू लिए हैं, जिसे हमने अच्छी तरह से छील लिया है और बीजों को रिमूव कर दिया है। इसे हम अपने मिक्सिंग जार में डालेंगे। फिर हम इसमें 2 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। चीनी आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। फिर हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे, जिसे मैंने उबाल कर ठंडा कर लिया था। उसमें हम थोड़ी सी इलायची पाउडर और थोड़ा सा आइस क्यूब्स डालेंगे। इसे हम अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है। अब इसे हम अपने सर्विंग ग्लास में डालेंगे। इसे हम चीकू चंक्स, बादाम, काजू और पम्पकिन सीड से गार्निश करेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारा चीकू शेक। अब हम बनाएंगे पपाया शेक, जिसके लिए हमें चाहिए 1 कटोरी पपीता कटा हुआ। सबसे पहले हम अपने मिक्सिंग जार में पपीते के टुकड़े डालेंगे। उसमें हम 2 चम्मच चीनी, चीनी आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं, 1 कप दूध और थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े डालेंगे। इसे अच्छी तरह हम ब्लेंड कर लेंगे। इसे हम अपने सर्विंग ग्लास में डालेंगे। इसे हम पपीता के चंक्स बादाम काजू और पम्पकिन सीड से गार्निश करेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारा पपीते का शेक। अब हम बनाएंगे ओरियो शेक। सबसे पहले हम मिक्सिंग जार में 5 से 7 ओरियो बिस्कुट को तोड़ कर डालेंगे। फिर उसमें हम 1 ग्लास दूध, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच चॉकलेट आइसक्रीम डालेंगे और कुछ बर्फ़ के टुकड़े। इसे हम अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। फिर हम अपने सर्विंग ग्लास को चॉकलेट सिरप से कोट करेंगे। हम अपने सर्विंग ग्लास में और इसे शेक के डालेंगे। यह देखने में कितना सुंदर लगता है और उतना ही पीने में टेस्टी लगता है। इसे हम ओरियो बिस्कुट के टुकड़ों से गार्निश करेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारे ओरियो शेक। पीजिए और इन्जॉय कीजिए। अब हम बनाएंगे कोको शेक, जिसके लिए हम मिक्सिंग जार में 1 कप दूध और 2 चम्मच कोको पाउडर डालेंगे। फिर इसमें हम 2 चम्मच चीनी, चीनी कम या ज़्यादा ले सकते हैं। फिर हम इसमें 1 चम्मच चोको चिप्स और कुछ बर्फ के टुकड़े डालेंगे और इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। फिर हम अपने सर्विंग ग्लास को चॉकलेट सिरप से कोट करेंगे। सबसे पहले हम अपने सर्विंग ग्लास में 1 चम्मच आइसक्रीम डालेंगे। फिर हम उसमें अपना चोको शेक डालेंगे। इसे हम चॉकलेट सिरप और चोको चिप्स से गार्निश करेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारा कोको शेक। अब हम पान शेक बनाएंगे, जिसके लिए हमें 2 पान के पत्ते चाहिए, जिनकी डंडियां हम रिमूव कर लेंगे। सबसे पहले हम मिक्सिंग जार में कटे हुए 5 पान के पत्ते डालेंगे। 1 कप दूध, जिसे मैंने उबाल कर ठंडा कर लिया था। सबसे पहले हम थोड़ा दूध डालेंगे और इसे ब्लेंड करेंगे। फिर हम उसमें बाकी बचा हुआ दूध भी डाल देंगे और फिर से इसे ब्लेंड करेंगे। फिर हम इसमें चीनी, गुलकंद, बादाम के टुकड़े और बर्फ के टुकड़े डालेंगे और फिर अच्छे से दोबारा ब्लेंड करेंगे। हम अपने सर्विंग ग्लास में तब थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे। इसमें अपना 5 शेक डालेंगे। इसे हम मिक्स ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। आप कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं।
तो लीजिए तैयार है हमारा टेस्टी टेस्टी पान का शेक। अब हम बनाएंगे बनाना शेक, जिसके लिए हमें कुछ केले के टुकड़े चाहिए। सबसे पहले हमने एक कटोरी केले के टुकड़ों को मिक्सिंग जार में डाल लिया है। अब हम इसे 2 चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। थोड़ा सा इलायची पाउडर, 1 कप दूध और कुछ बर्फ के टुकड़े डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो हमने इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसे सर्विंग ग्लास में डालेंगे। इसे हम बादाम के, काजू और पम्पकिन सीड से गार्निश करेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारा बनाना का शेक। तो पीजिए, एंजॉय कीजिए।